लिए शादी करनी है या घर वाले शादी के लिए दबाव बना रहे हैं या शादी के लिए कोई प्रॉब्लम हो रही है, शादी को लेकर के बस मन में असमंजस है, ऐसी परिस्थिति से अक्सर शादी करने वाले जोड़े जो है वो जूझ रहते हैं। अगर आपको भी शादी की जल्दी है या शादी को लेकर के मन में कोई असमंजस है, कोई सवाल है, कोई शक है, तो ये 5 फिल्में ज़रूर देखें। ये 5 फिल्में अगर आप देखेंगे तो आपके कई सवालों का इसमें जवाब मिल जाएगा। और देखने का मतलब, फिल्म देखने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि फिल्म मनोरंजन के लिए देखें या टाइम पास के लिए देखें, नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए देखें। ये फिल्में देखते समय काफ़ी ध्यान से देखें इन फिल्मों को, इनके जो डायलॉग हैं उसको ध्यान से सुने, किस तरह की इसमें परिस्थिति उत्पन्न होती है और कैसे उसको हैंडल किया जाता है, कैसे उसका जो समस्या आती है शादी को लेकर के उसका कैसे समाधान किया जाता है। अगर आप इस दृष्टिकोण से इन फिल्मों को देखेंगे तो काफ़ी आपको अपने जीवन में जो है कई समस्याओं का आपको समाधान मिल जाएगा। पहली फिल्म है अर्जुन की दुल्हनिया। इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि शादी के लिए जो लड़का लड़की को आत्मा से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, लड़की के आत्मा और लड़के के आत्मा का कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो एक दूसरे की आत्मा एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होगी तब तक वो शादी के लिए वो राज़ी नहीं होंगे या उनको सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, संतुष्टि नहीं होगी शादी से। एक दूसरे के प्रति जो समर्पण होता है, एक दूसरे के प्रति जो प्रेम होता है वो उनमें वो नहीं आ पाएगा, उनकी भावना जो है उनके एक दूसरे के प्रति जो सम्मान है, श्रद्धा है, विश्वास है वो नहीं आ पाएगा। और अक्सर जो शादी में जो परेशानी होती है या जो जो मनमुटाव पैदा हो जाता है या उलझन पैदा हो जाती है, जो शादी में जो परेशानी होती है उसका कारण भी यही होता है कि आत्मा से आत्मा का जो मिलन है वो नहीं हो पाता है। जब तक आत्मा से आत्मा कनेक्ट नहीं होगा तो फिर वो परेशानी होगी, आत्मा जो भटकती रहेगी, वो एक दूसरे की तलाश में, जब तक वो आत्मा संतुष्ट नहीं होगी तो फिर परेशानी जो है वो कई तरह की परेशानी होने लगती है। इस फिल्म में यही दिखाया गया है कि एक जो एक लड़का है वो एक लड़की से, उसकी आत्मा जब कनेक्ट हो जाती है, जब तक उसकी लड़के की आत्मा कनेक्ट नहीं रहती है किसी लड़की से तो लड़की आती जाती हैं और वो शादी उसकी नहीं होती। लड़की का भी यही उसमें कहानी में दिखाया गया है कि लड़की की शादी के लिए भी कई लोग आते हैं लेकिन उनकी आत्मा जो है कनेक्ट नहीं होती है एक दूसरे से, इसलिए उनकी लड़की की शादी कट जाती है। लड़का भी शादी करना नहीं चाहता है क्योंकि उसके भी आत्मा जो है किसी लड़की से कनेक्ट नहीं हो पा रही है, लेकिन जब उस लड़का की और उसकी लड़की की आत्मा एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है तो वो दोनों जो है शादी के लिए खुशी खुशी राजी हो जाते हैं और उन दोनों की शादी हो जाती है। इस फिल्म अर्जुन की दुल्हनिया आप फिल्म देखेंगे तो आपको यही सीख मिलेगी कि शादी के लिए आत्मा कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ATM बहुत ही मज़ेदार फिल्म है, कॉमेडी फिल्म है, आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा फिल्म देखकर। वैसे भी आपको कई इसमें ज्ञान मिलेंगे कि शादी के लिए जो है लोग कैसे एक दूसरे को फंसते और फंसाते हैं, कैसे जाल बिछाते हैं, कैसे षड्यंत्र रचते हैं शादी के लिए, ये सब आपको समझ में आएगा। शादी में कितनी फ्रॉड होता है, कैसे कैसे लोग जो है उसमें जाल बिछा कर एक दूसरे को फंसाते हैं शादी के लिए, झूठ बोलते हैं, दिखावा करते हैं, बनावटी चीज़ें दिखाते हैं, ये सब आपको ये फिल्म में देखने से आपको इसका ज्ञान मिलेगा। इस फिल्म में जो कुछ खास जो ज्ञान आपको मिलेगा वो ये है कि पति पत्नी को एक दूसरे से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक झूठ, एक गलत फहमी से कैसे पति पत्नी के बीच में दरारें और दीवारें खड़ी हो जाती हैं यह फिल्म देखने के बाद आपको पता चलेगा। और इसमें एक डॉक्टर साहब हैं जो जब पति पत्नी के बीच में जो मुश्किल खड़ी हो जाती है, पति पत्नी जो है दूसरे पर जो है अविश्वास करने लगते हैं, उनके बीच में समस्या उत्पन्न हो जाती है, तब एक डॉक्टर इसमें करेक्टर है, वो समझाते हैं कि कोई भी चीज़ खरीदते वक्त उसे हम अच्छी तरह से परखते हैं, ठीक उसी तरह से अपनी बेटी को दूसरे घर भेजते समय हमें लड़के वालों के बारे में ठीक से जानकारी कर लेनी चाहिए और हाँ लड़की के बारे में भी ठीक से जानकारी पता कर लेना चाहिए, लड़के वालों को लड़की के बारे में भी ठीक से पता कर लेना चाहिए। ये फिल्म में ये दिखाया गया है कि शादी से पहले इमोशनली अट्रैक्ट होना, इमोशनली शादी कर लेना, एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाना ये अलग बात है, ये अच्छी बात भी है, कर लेना चाहिए, लेकिन जब शादी की बात आए तब एक दूसरे के प्रति थोड़ा सा जो है विश्वसनीय ढंग से पता कर लेना चाहिए, पुख्ता जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए कि उन लोग वो कैसे लोग हैं, क्या है नहीं है,
उनका उनका भी उनका जो है सामाजिक और क्या उनका सरोकार है, किस तरह के लोग हैं, ये सब जानकारी हासिल कर लेना चाहिए, नहीं तो कई तरह की समस्याएं आती हैं। इस फिल्म में भी यही है कि लड़का लड़की एक दूसरे के प्रति इमोशनली जो है वो अट्रैक्ट होती है और शादी हो जाती है, और उसके बाद जो है कई तरह के उनके जीवन में परेशानी शुरू होती है और एक दूसरे को वो फंसाते हैं, और लेकिन वह अंत में पता चलता है कि दोनों फंस गए हैं शादी में। लेकिन फिर जब उनके अंत में जो ये दिखाया गया है कि शादी के लिए और सब चीज़ें तो वो मायने रखती हैं, साथ में अच्छा इंसान होना बहुत मायने रखता है कि शादी के लिए जो है एक अच्छा इंसान बहुत मायने रखता है। अंत में वो दोनों जो है लड़का लड़की एक अच्छा इंसान साबित होते हैं, और कई तरह की कमियों के बावजूद जो है दोनों बहुत अच्छा इंसान साबित होते हैं, इसलिए वो उनकी जो हैप्पी मैरिज एंड फिल्म में दिखाया जाता है। इसलिए शादी के लिए जो है एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है, अच्छा जीवन साथी हो, अच्छा पार्टनर मिले, इस फिल्म से ही आपको ज्ञान मिलेगा कि शादी के लिए जब भी शादी करें तो एक अच्छा जीवन साथी को चुनें। यह फिल्म लवर और गीता गोविंदा के नाम से यूट्यूब पर अपलोड है। इस फिल्म बहुत ही मनोरंजक फिल्म है, बहुत अच्छी लव स्टोरी फिल्म है, यह देखें बहुत मज़ा आता है फिल्म को देखने से। और इसमें थोड़ी अलग हटके कहानी है, क्योंकि जिस इसमें जो है फिल्म में भाई बहन की ही शादी के बारे में दिखाया गया है, कि जो उसकी बहन की शादी जिस लड़के से होती है उसी की बहन की बहन से इस लड़के को प्रेम हो जाता है, यानी कि अपने बहन के ननद से लड़का को प्रेम हो जाता है। इस फिल्म का पूरा मजमून जो है ये है कि हर पति जो है अपनी पत्नी में अपनी माँ की छवि देखना चाहता है, मतलब कि हर लड़का जो है अपनी माँ अपनी पत्नी में माँ की छवि देखना चाहता है। तो लड़की इस सवाल पर जो है लड़के को समझाती है कि कोई भी पत्नी कभी किसी की माँ नहीं हो सकती, क्योंकि माँ जो होती है वो देवी होती है, माँ भगवान होती है, माँ प्रकृति होती है। लेकिन लड़के को चाहिए कि घर आने पर पत्नी को माँ की तरह बदल ले। ये फिल्म यही दिखाया गया है कि पत्नी और माँ का जो करेक्टर है उसमें टकराव है, उसके प्रति जो है लड़का जो चाहता है वो चाहता है कि उसकी जो पत्नी हो उसकी माँ की तरह हो, उसकी माँ की छवि वो देखना चाहता है अपनी पत्नी में। और अंत में जो फिल्म इसके लिए काफ़ी उन दोनों में मनमुटाव होता है, बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी समस्याएँ आती हैं उनकी शादी में, बहुत परेशानी होती है, दोनों एक दूसरे को बहुत टॉर्चर करते हैं, लेकिन अंत में जो है वो दोनों काफ़ी बदल जाते हैं। लड़का भी अपना में बदलाव लाता है, लड़की भी अपना में बदलाव लाती है। लड़की लड़के को समझाती है कि तुम जब अपने पत्नी में अपनी माँ की छवि देखना चाहते हो तो उसको अपने घर ला करके और उसको अपने हिसाब से जो है उसको बदल लेना चाहिए लड़की को, कि अपने माँ की छवि आ जाए उसमें, आप वो माँ की तरह आपकी जो है देख रेख करे, आपसे प्यार करे। तो ये फिल्म में अर्जुन गोविंदा गोविंदा फिल्म देखें, बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत कॉमेडी फिल्म है, बहुत मज़ेदार फिल्म है। और इस फिल्म में आपको यही देखेंगे तो पत्नी और माँ के जो करेक्टर होते हैं ये आपको एक समझ में आएगा, कि जो पत्नी है उसमें एक माँ की छवि भी है, और पत्नी के साथ जो है वो एक माँ के जो श्रद्धा भाव आप रखते हैं वो अगर पत्नी के प्रति भी रखेंगे तो आपका जीवन जो है काफ़ी हैप्पी गुजरेगा। लव स्टोरी 2 यह फिल्म भी काफ़ी मज़ेदार है, बहुत इसमें सवालों के जवाब दिए गए हैं, जैसे शादी के पहले जो लड़का लड़की के मन में सवाल उठते रहते हैं या जो शादी को लेकर के मन में जो शक रहता है, बहुत सारे सवाल उमड़ते घुमरते रहते हैं, उस सारे सवालों का इसमें जवाब दिया गया है। और आप ध्यान से देखेंगे फिल्म को, बहुत गंभीरता से देखेंगे तो आपको कई सवालों के इसमें जवाब मिल जाएंगे। शादी जो है हमारे जीवन का महत्वपूर्ण पल होता है, लोग शादी करने के लिए हजारों झूठ बोलते हैं, पता है क्यों? क्योंकि शादी के बाद झूठ की जगह ही न रहे। ईमानदार जीवन साथी बनो, रिश्ते में सच्चाई के साथ जरूरी है, वरना मनमुटाव पैदा हो जाता है। शादी में थोड़ा सा डर लगता है, थोड़ी दिक्कतें आती हैं, थोड़ा दर्द भी होता है, पर आने वाली जो खुशियाँ होती हैं वो छोटी मोटी नहीं। रिश्तों के उलझन सुलझाना कितना मुश्किल होता है यह फिल्म में दिखाया गया है, और कैसे सुलझाया जाता है यह भी बताया गया है।
शादी शक और सवाल आजीवन पीछा नहीं छोड़ते, शादी को लेकर के डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो लव स्टोरी 2 जरूर देखें। और इस फिल्म में यह भी समझाया गया है कि शादी क्या है। शादी का मतलब जिसके साथ जी सकते हैं उसके साथ करना नहीं है, जिसके बिना हम जी नहीं सकते हैं उसे शादी कर कहते हैं। शादी हजारों आशाएं, कई पसंद, लाखों सोच, करोड़ों ख्वाहिशों से होती है शादी। शादी कोई सामान्य वस्तु नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं है। शादी को काफ़ी गंभीरता से लेना चाहिए। ये फिल्म में दिखाया गया है कि अगर शादी को आप इंजॉय करना चाहते हैं, चीज़ शादी करना चाहते हैं, तो शादी को काफ़ी गंभीरता से लेना चाहिए। और इसमें और हर पल जो है थोड़ा गंभीरता से ही इसमें जो है व्यवहार करना चाहिए। एक दूसरे के प्रति जो ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप एक दूसरे के प्रति ईमानदार नहीं रहेंगे, फिल्म में ही दिखाया गया है, तब तक शादी जो है बहुत आपके उसमें जो है मनमुटाव, अविश्वास, शक, शंका, ये सब होते रहेंगे। इसलिए ये जो लव स्टोरी 2 फिल्म है, बहुत ही मज़ेदार फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। यह फिल्म देखने के बाद आपको ये ज्ञान मिलेगा कि अपने जीवन साथी के प्रति हमेशा ईमानदार रहें, चाहे किसी भी परिस्थिति हो, चाहे जिस तरह के भी परिस्थिति से जूझना पड़े, कितना भी विकट कठिन परिस्थिति हो, आपको अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। और जो भी बात हो, जो भी चीज़ें हो जीवन में घट रही हों, जो भी घटनाएं घट रही हों, तो अपने जीवन साथी को जो है सच सच बता देना चाहिए। इससे क्या होता है, कोई शक नहीं होती है किसी को, दूसरे के प्रति जो है शक नहीं होता है, कोई सवाल नहीं होता है, और विश्वास बना रहता है। और जब विश्वास बना रहता है तो फिर वो शादी जो है काफ़ी हैप्पी गुजरती है शादी। फिर वो अगर आपको परंपराओं और संस्कृति से प्यार है तो आपके लिए ही है श्रीनिवासा कल्याणम। यह फिल्म संस्कृति और परंपराओं पर बनाई गई है कि संस्कृति और परंपराओं का क्या महत्व है, यह फिल्म में दिखाया गया है। इस फिल्म में एक पोता है जो अपनी दादी से पूछता है कि दादी शादी क्या होता है। दादी बताती है कि शादी का मतलब बड़ा त्यौहार। फिर पोता पूछता है कि क्या होली दिवाली जैसा त्यौहार। दादी कहती है कि नहीं, होली दिवाली तो हर साल आते रहते हैं, लेकिन शादी जीवन में एक बार ही होती है, इसीलिए शादी जो है बड़ा त्यौहार है। जब त्यौहार आता है, नए रिश्ते नया प्यार भी लाता है, शादी से नई पीढ़ी भी आती है, इसलिए शादी का मतलब बड़ा त्यौहार होता है। शादी शुभ मन से शुभ मन का त्यौहार है, रिश्ता है। इस फिल्म में समझाया गया है कि पेरेंट्स हमें जन्म देते हैं, फ्रेंड्स हमें खुशी देते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर हमें लाइफ देते हैं। ऐसे लाइफ पार्टनर के बारे में अच्छा कुछ नहीं कह सकते तो कम से कम बुरा भी मत कुछ कहिए। इससे रिश्तों में एक खटास आती है, मनमुटाव होता है। इसमें समझाया गया है कि लाइफ में सक्सेस पाने के लिए दुनिया के बारे में जानना पड़ता है, लोगों को परफेक्टली कैलकुलेट करना होता है, कैलकुलेशन रॉन्ग हो तो डिस्टर्बेंस स्टार्ट होते हैं। जहाँ पर प्यार ज़्यादा हो वहाँ रिलेशन स्ट्रांग होते हैं। शादी के बाद खुश रहने का राज क्या है, इस फिल्म में दिखाया गया है। कैसे जो है एक पति पत्नी अपने जीवन में खुश रह सकते हैं, इसके बारे में बताते हुए कहा गया है पति पत्नी के बीच का प्यार जो है W अक्षर के जैसा होता है। वो शुरुआत में तो अपने पीक पर होता है, लेकिन धीरे धीरे वो नीचे गिरता है, उस कम होते जाता है, फिर ऊपर उठता है, फिर नीचे गिरता है, फिर वो अपने पीक पर चला जाता है। इसमें ये समझाया गया है कि जो प्यार के घटते बढ़ते जो संबंध हैं उसमें कैसे अपने आप को एडजस्ट करें, कैसे अपने आप को सामंजस्य बनाएं, पति पत्नी रिश्ते में कैसे विश्वास बनाए रखें, इसके बारे में पूरे जो है अच्छी तरह से समझाया गया है।
शादी का मतलब क्या होता है, यह सब इस फिल्म को देखने के बाद आप आसानी से समझ जाएंगे। फिल्म बहुत अच्छी बनी है, बहुत पारिवारिक फिल्म है। बल्कि परिवार की जिम्मेदारी क्या होती है, परिवार क्या होता है, गांव क्या होता है, समाज क्या होता है, संस्कृति क्या होती है, परंपरा क्या होती है, इन सब के बारे में इस फिल्म में बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है। फिल्म के एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें जो दादी का रोल है, वो अंत में फिल्म का जब अंत होता है तब कहती है कि अब शादी की अहमियत पहले जैसी क्यों नहीं रही, रिश्तों में प्यार का इस तरह दूर क्यों हो रहा है। इस बात को जैसे आप समझ गए हैं वैसे सब समझ जाएं तो अच्छा होगा सबके लिए। और अंत में आपसे आग्रह है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और लोगों को भी इसके बारे में बताएं। और आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।